बाइक दे दी सर्विस में, अभी सर्विस होकर शाम को बाइक आ जाएगी। ऑटो भी मिल चुकी है, अभी ऑटो घर तक की मैंने कर ली है। शांति से ऑटो में बैठ के घर पहुँच जाऊँगा। वैसे काफ़ी सालों के बाद मैं ऑटो में बैठा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक एक मिनट के बाद अभी सुबह के बज जाएंगे 9। आज सुबह में काफ़ी बारिश हुई, देख लो रास्ते गीले हैं। एंड यहाँ पे अपनी कमांडो कॉल स्टार्ट करता हुआ मैं, अभी हो चुकी है 2-3 मिनट, अब ठीक है, कमांडो जाने के लिए तैयार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HX94 व्लॉग्स। आई होप यू एब्सोल्युटली फाइन एंड क्रेजी लाइक मी। सुबह के बज रहे 9 और सुबह में एक इमरजेंसी आन पड़ी, उस वजह से मुझे कमांडो लेकर, बस देख लो ट्रैक ये कहो या फिर इसे क्या कहोगे, शॉर्ट्स कहोगे, और सैंडल पहन के निकल पड़ा हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि पापा आज जा रहे हैं सुबह में वलसाड़ के लिए, वो घर से निकल चुके थे और घर से वो निकले वैसे ही मुझे याद आया कि 2 दिन पहले मैं पापा के साथ गया हुआ था पापा की ऑल्टो में कुछ पर्सनल काम को लेकर। आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो पता रहेगा। तो उस वक्त मैंने पापा की ऑल्टो में ही ऐसे गोप्रो का चार्जर एंड गोप्रो की 2 बैटरीज रख दी थी, वो लेना भूल गया था, निकालना भूल गया था घर आने के बाद। तो इमरजेंसी में अभी कॉल किया पापा को कि पापा गोप्रो का चार्जर एंड बैटरी ऑल्टो में ही भूल गया हूँ मैं। तो पापा ने कहा कि चल आजा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पापा के एक फ्रेंड है, उनका बेटा है, वो भी पापा के साथ वलसाड़ जा रहा है, पास में ही उनका भी घर। तो बस उनके ही घर पे थे पापा, पापा ने कहा कि यहाँ पे आजा फटाफट और बैटरीज ले ले, चार्जर ले ले, ताकि तेरा काम रुक ना जाए। सो वही लेने के लिए अभी सुबह में निकल पड़ा हूँ मैं अपने घर से, यहाँ से जाना है लेफ्ट। ज़िंदगी में ना कभी कभी इतनी भगदड़ मच जाती है। ये तो अच्छा हुआ कि पापा उनके फ्रेंड के घर पे ही बैठे अभी, अगर निकल गए होते यहाँ से भी तो दिक्कत थी। फिर तो भाई पापा जब लौट के आते तभी अपना चार्जर गोप्रो का एंड बैटरीज मिल पाती, बट थैंक गॉड पापा यहीं पे है। चलिए फिर यही चार्जर लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था, देख लो ये चार्जर है और इसके अंदर 2 बैटरीज है गोप्रो की। तो यहाँ पे ये जो अंकल आप देख रहे हो, बहुत बचपन से मैं इन्हें जानता हूँ, पापा के अच्छे फ्रेंड है और मेरे गाँव के ही है। तो चार्जर के बहाने आना हो गया और मिलना हो गया काफ़ी टाइम से। वैसे बचपन में तो काफ़ी मैं आता था यहाँ पे, और इनके 2 लड़के हैं जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो काफ़ी आना होता था, खेलता था, ये वो सब करता था बचपन में। ज़्यादातर टाइम जो है छुट्टियों में इनके घर पे ही मेरा बीतता था, बट अभी बड़े हो गए, काम में बिजी हो गए, ये वो सब होता है। तो अंकल अभी बोल रहे थे कि अब तो तू आता भी नहीं है, बट अंकल को भी पता है कि ये वो सब काम में बिजी रहते, तो आना जाना थोड़ा कम होता है। हाँ तो अंकल भी मेरे वीडियोस देखते हैं, अंकल मज़ा आता है ना, हाँ, बहुत है ना, मज़ा आता है। तो पापा जो है वो ये चार्जर इधर रख के, इनके वहाँ पे रख के चले गए और बस ले लिया। वैसे काफ़ी टाइम ऐसे 8:30 का मैं यहाँ पे आया था और अभी बज रहे 10, देख लो 10 बज रहे, यानी कि 1.5 घंटा अंकल के साथ यहाँ पे बातचीत हुई है, वो सब बहुत सारी बातें हुई, पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, क्या करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो चलो ये इस बहाने अंकल से अच्छे से कन्वर्सेशन हुई और मज़ा आया। आई होप ये वाली फाटक खुली हो। अरे अरे अंकल 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 प्लीज़ 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 खुली रखो, निकल जाने दो मुझे, थैंक यू सो मच। ये फाटक अगर बंद हो जाती तो दिक्कत हो जाती, यहाँ पे 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ता। बहुत ही अच्छा लगा अंकल के साथ, काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे 1.5-2 घंटे तक बात करने के लिए बैठा होऊंगा। कभी कभी ना ज़रूरी होता है बातचीत करना बड़े लोगों के साथ बैठकर। यहाँ से राइट लेते ही मेरी सोसाइटी स्टार्ट हो जाएगी। ये एंटर कर गए अपनी सोसाइटी में, पानी 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 पानी। मॉनसून की सीज़न में ना यही एक दिक्कत रहती है, इंडिया के रोड पे पानी 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 जमा हो जाता है। गाय के गोबर, गाय माता यहाँ पे घूमने फिरने आती है, सोसाइटी विजिट करने आती है, तो
फ्री का गोबर यहीं पे छोड़ के जाती है। कमांडो की सर्विस बाद में करवाऊंगा, आज सबसे पहले कावासाकी को देने जाना है सर्विस स्टेशन। कावासाकी को कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कोल्ड स्टार्ट, अभी सर्विस का टाइम हो चुका है, काफ़ी कुछ मुझे इसमें करवाना पड़ेगा। देख लो ये ब्रेक, फ्रंट ब्रेक तो लग ही नहीं रही है और एक्सीलेटर केबल में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, हार्ड हो चुका है। एक्सेलरेट करता हूँ तो पता चलता है कि काफ़ी हार्ड चल रहा है ये वो ऐसा वैसा सब कुछ मुझे चेंज करवाना है, ऑयल चेंज हो जाएगा और फिर ऑयल फिल्टर से लेके सब कुछ, तो थोड़ा सा मोटा खर्चा होगा इस बार मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए पूरी मैंने लगा दी ब्रेक, फिर भी नहीं लग रही, बाइक रुक ही नहीं रही है। चलो अभी अभी फाटक खुली है, फटाक से बाइक निकालनी पड़ेगी यहाँ से, वरना फाटक फिर से बंद हो जाएगी तो फिर भाई फंस जाएंगे 10-15 मिनट के लिए। हाँ यहाँ से रास्ता साफ है, एक्सीलेटर इतना हार्ड हो गया है कि एक्सीलरेट करते ही ऐसे देख लो गाड़ी रेस करेगी, देख रहे हो देख रहे हो, देखो बहुत हार्ड चल रहा है और फ्रंट ब्रेक तो लग ही नहीं रही, तो मुझे संभल के अभी बाइक राइड करके गैरेज तक पहुंचानी पड़ेगी। अभी जितनी बाइक मैं ओके रखूंगा ना, सर्विस वर्विस ये वो सब टाइम टू टाइम करवाऊंगा, तो मुझे लॉन्ग राइड पे ये दिक्कत नहीं देगी। लॉन्ग राइड पे जाने के बाद स्पेशली लेह लद्दाख जाने के बाद तो भाई साहब बाइक को सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल मेरा कोई प्लान नहीं बन रहा है लॉन्ग राइड पे जाने का, बस ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे डेली, बट कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल प्लान कोई नहीं है। बट अरे भाई साहब रुक जा, भाई रुक जा, दिक्कत है बाइक में ब्रेक नहीं लग रही। और हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अभी कोई प्लानिंग नहीं बन रहा है लॉन्ग राइड का, बट कुछ कह नहीं सकते, बाइक एकदम अप टू डेट सर्विस करवा के रखता हूँ, कभी भी किसी भी वक्त ऐसे दिल कर जाए भाई चलो राइड पे निकलना है तो अपने लॉन्ग राइड पे भी निकल सकते हो, और फिर शॉर्ट राइड के लिए भी बाइक अप टू डेट सर्विस करवा के ओके रखनी पड़ेगी। 3-4 किलोमीटर अभी तो बाइक राइड की और पाम में दर्द होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज बहुत हार्ड चल रहा है ये, ऐसे जोर लगा के मेरे को घुमाना पड़ रहा है, एक्सीलरेट करना पड़ रहा है। ये आ गए हम महेश भाई के गैरेज पे, चलिए फिर यहाँ पे अपनी बाइक हो जाएगी सर्विस, महेश भाई से मिलिए। महेश भाई हेलो हेलो, एक नंबर सर्विस करते, अगर बड़ोड़ा में किसी को सुपर बाइक सर्विस करवानी हो या फिर बड़ोड़ा से पास हो रहे हो एंड अगर आपकी बाइक दिक्कत दे रही है, आपको ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ये आनंदेश्वर ऑटो गैरेज का नंबर यानी कि महेश भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, देख लो ये नंबर पे कॉन्टेक्ट करके बात कर लेना, आपकी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ऑयल ये वो सब चेंज करवाना है, ऑयल तो मैं लेके आया हूँ बट अभी ऑयल फिल्टर का जुगाड़ करना बाकी है, तो महेश भाई ने कहा कि ऑयल फिल्टर तो मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो होंडा सुजुकी बजाज रॉयल एनफील्ड कावासाकी बीएमडब्ल्यू केटीएम हीरो हार्ले डेविडसन टीवीएस ट्रम्प बेनली डुकाटी सुपर बाइक एंड हार्ले डेविडसन, कोई भी आपको बाइक हो आपके पास और सर्विस करवानी हो तो यहाँ पे आ जाना। महेश भाई मिलते फिर है ना, चलो थैंक यू। यहाँ से ऑटो मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। सर्विस में अभी सर्विस होकर शाम को बाइक आ जाएगी, ऑटो भी मिल चुकी है, अभी ऑटो घर तक की मैंने कर ली है, शांति से ऑटो में बैठ के घर पहुंच जाऊंगा। वैसे काफ़ी अरे हाँ काफ़ी सालों के बाद मैं ऑटो में बैठा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले वाले दिन याद आ गए जब कॉलेज किया करते थे, ट्रेन में जाते थे, ट्रेन से फिर स्टेशन पर उतरते थे और फिर हम जाते थे ऑटो में बैठ के कॉलेज तक। अच्छा भैया हंस रहे भैया क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान ठीक है, कितने सालों से ऑटो चला रहे हो? 2005 से चलाता हूँ सर। 2005 से? चलो काफ़ी अच्छा लगा, 2005 से ये रिजवान भाई जो है ये ऑटो चला रहे। लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कत हुई होगी है ना,
आपको हुई थी यार, क्या करें, अभी भी उसका असर है। अभी भी है, अभी भी है, सही बात बोल रहे हो आप। चार ऑटो है आपके पास? हाँ। अच्छा, अभी फिलहाल लॉकडाउन के हिसाब से तीन ही है। तीन है? एक भेज दिया। अच्छा, एक भेज दिया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अच्छा, तो रिजवान भाई के पास चार ऑटो थी, उसमें से एक बेच दी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन में यार सबको दिक्कत हुई है, बट क्या करें, अभी फिलहाल सब ठीक है ना। चलो ठीक है। काफ़ी दिनों से मुझे बाइक अपनी सर्विस में देनी थी, बट ये काम ऐसा काम वैसा काम, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सब चक्करों में टाइम सेट ही नहीं हो रहा था कि मैं यार स्पेशली टाइम निकाल के बाइक को सर्विस में दे के आऊँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज मेरा और महेश भाई का, यानी कि मैकेनिक भाई साहब अपने महेश भाई का टाइम मैच हो गया, और महेश भाई ने कहा कि चल आज लेके आ जा बाइक, सर्विस कर देते तेरी। तो दे के आया हूँ, अभी काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार, ऐसे समझ लो आप फील कर पाओगे मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद बाइक जब सर्विस में देते हो और बाइक सर्विस होके आती है ना, तो वो बाइक सर्विस होने के बाद की फर्स्ट राइड जो होती है वो एक्सट्रीम लेवल का मज़ा देती है। मतलब वो फील अलग होती है, ऐसा लगता है जैसे नई बाइक चला रहे हम, ऐसे समझ रहे हो ना। तो ऐसी ही फील मुझे आज शाम को आने वाली है। अगर शाम को अपनी बाइक आ गई, सर्विस हो गई, तो फिर मैं लेके आ जाऊँगा, और वो फील मुझे ऑलवेज ऐसे ज़्यादा ही कुछ हैप्पीनेस दे देती है। समझ पा रहे होंगे, एज अ राइडर मुझे तो ऐसा लगता है, अभी आप भी समझ पा रहे होंगे ना, आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। सो गाइस, बस अभी कुछ नहीं करना है, अभी मुझे खाना खाना है, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आज पढ़ने को मन कर रहा है, तो कोई ना कोई बुक मैं पढ़ूंगा आज, और फिर व्लॉग्स देखूंगा दूसरों के भी व्लॉग्स। एज अ व्लॉगर मुझे भी दूसरों के व्लॉग्स देखने पड़ते हैं, होमवर्क यार, होमवर्क सीखना पड़ता है दूसरों के व्लॉग्स देख के। तो व्लॉग्स देखूंगा, ये वो सब करूंगा, एंड कुछ ना कुछ काम निकल ही आएगा। ये रहा मेरा एलोवेरा जूस। जूस पियो, हेल्दी रहो, ग्रीन टी पियो, हेल्दी रहो। चीयर्स गाइस, एलोवेरा जूस पीने का टाइम है। एनीवे गाइज, आज का वीडियो बस यही तक रखते हैं। आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। टाटा।